यहाँ पर दिशु ने एक छोटी सी पेंटिंग बनाई है, तो दिशु अपनी उस पेंटिंग की भी पूजा कर रहा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि दिशु ने कितनी क्यूट पेंटिंग बनाई है। और दिशु पूरे मतलब भक्ति भाव से, जैसे एक मंदिर में पूजा करके आए ना, वैसे हम उसी भक्ति भाव से दिशु पूजा कर रहा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। सी, ये तो है हमारे दिशु के शिव जी। इसने बहुत मेहनत से, मतलब एक सिक्स ईयर का जो बच्चा है उसके अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा मेहनत की है इसने। एक लियोपार्ड टाइप की, लियोपार्ड जैसी इसने धोती पहनाई है, लियोपार्ड प्रिंट की। यहाँ पे इसने त्रिशूल पे डमरू लटकाया है, मतलब एवरीथिंग, मतलब। और यहाँ पर इसने ऐसे मतलब माला वाला पहनाई है, और यहाँ पे दर्श लिख के ओम भी लिखा है। और ये शिवलिंग बनाया, और शिवलिंग का सांप तो बहुत ही डेंजर है, मतलब इतना डेंजर है कि फोटो में से भी आपको डस सकता है। देन ये पेट्रोल से नहीं, ये छोटा सा जो बनाया है ये नंदी जी है, ये छोटे से नंदी जी है। सो ये दिशु की पूरी पेंटिंग है, देख लीजिए आप। कहाँ छोटा सा पेट्रोल? ये ना नंदी, छोटे से नंदी जी। सो यहाँ पर चिकू ने अपनी पूजा स्टार्ट करी है, एकदम नेचुरल पूजा है जैसे बड़े लोग करते हैं। तो सबसे पहले इसने यहाँ पर चंदन लगाया है शिव जी को, और पहले शिव जी की पेंटिंग को लगाया है, देन उनकी शिवलिंग की पेंटिंग पे इसने ठीक से अच्छे से चंदन लगाया है। और जैसे बड़े लोग करते हैं, अपन लोग करते हैं वैसे ही, जैसे ही मंदिर में देख रहा है, जैसे इसने देखा है सीखा है, वैसा ही सेम ये प्रोसेस फॉलो कर रहा है। देन यहाँ पे इसने छोटा सा एक राइस का दाना लेकर उस जो चंदन पे है वहाँ पर चिपका दिया है। देन शिवलिंग पे भी सेम चीज़ करने वाला है ये, उस एक दाना लेकर राइस का और शिवलिंग पे चिपकाने वाला है। और इसने ये पेंटिंग बहुत, मतलब मुझे लिटरली विश्वास नहीं हो रहा था। हो सकता है आपके बच्चे बनाते हो या आप लोगों को ये पसंद ना आए, मुझे नहीं पता, लेकिन एज अ मदर अगर उनका बच्चा अगर सिक्स ईयर का है और वो इतनी अच्छी मेहनत से, इतना हार्डवर्क करके एक फेस्टिवल को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इतनी मेहनत करता है, तो सच में बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर शिव जी के लिए इसने मिश्री रखी है, और एक रोज रखा है, और कुछ पेटल्स रखे हैं जिससे शिव जी खुश हो जाए पूजा के लिए। देन यहाँ पे घंटी बजा के और अपना मंत्र जो इसको जितना इसको आता है उतना ही गा रहा है। ये हमारे क्यूट से लिटिल पंडित जी है, एकदम मॉडर्न पंडित जी। आप देख सकते हो उसने कितनी खूबसूरती से इस पर पेंटिंग बनाई है, अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग बनाई है, लेकिन फिर भी बहुत बहुत अप्रिशिएटेड है ये, क्योंकि इस एज के बच्चे इतना नहीं समझते कि पेंटिंग बनाएंगे फिर उसकी पूजा करेंगे। एक्चुअली मतलब मैं बचपन में ऐसी थी, मुझे मेरी मम्मी बताती कि मैं बचपन में ऐसी थी, हर फेस्टिवल को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती थी। तो चिकू थोड़ा थोड़ा मेरे जैसा ही है, लाइक थोड़ा थोड़ा तो नहीं, पूरा 100% वर्धन मेरा ही यही है बस। है ना, इसको भी बहुत एक्साइटमेंट रहती है हर फेस्टिवल की, कि फेस्टिवल ऐसे मनाएंगे ऐसे करें। तो उसको जैसे हम मंदिर जाके पूजा करके आ चुके हैं ऑलरेडी, हम सब करके आए हैं, लेकिन इसको उसने वो सेम चीज़ वहाँ देखी, तो उसका थॉट प्रोसेस ऐसा ही हो गया कि यहाँ पर भी इसने पेंटिंग बना रखी, कि दो दिन से ही पेंटिंग बना रहा है, यहाँ पर ड्रॉइंग कर रहा है। तो उसने अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग, अपने लेवल के अकॉर्डिंग बहुत ही सुंदर प्रतिमा बनाई है। शिवजी की ड्राइंग है, और जो शिवलिंग की जो ड्राइंग है वो बहुत सुंदर। तो ये उसके अपने अकॉर्डिंग इसने उनकी पूजा वूजा करी, आपने देखा पेटल्स मिश्री और जो भी चंदन का है, और छोटे से चावल भी लगाए हैं। तो इट्स रियली सो अप्रिशिएटेड कि इस एज के बच्चे, मतलब चीकू के अंदर ये सब आ रहा है कि हाँ पूजा भगवान होते हैं, पूजा पाठ करनी चाहिए, जैसा भी है आई थिंक। और मैं चाहती हूँ कि चीकू बड़ा होकर भी, क्योंकि आजकल के बच्चे पूजा पाठ में और मंदिर वगैरह ये नहीं समझते हैं, लेकिन चीकू बहुत समझता है। इवन ये जब कोई हमारे घर में कोई चॉकलेट भी लाते हैं या हम कोई फ्रूट लाते हैं, तो पहले इसको अपना पैसा होता है कि पहले ये फ्रूट लड्डू गोपाल को चढ़ाएगा। मैं तारीफ नहीं कर रही हूँ उसकी, ऐसा नहीं कि मैं उसकी मम्मी हूँ तो हर मम्मी अपने बच्चे की तारीफ करती, बट एक नॉर्मल चीज़ बता रही हूँ कि घर में अगर आप जॉइंट फैमिली हो तब तो बहुत ही अच्छी बात है, और आप न्यूक्लियर फैमिली हो तो पेरेंट्स को इतना टाइम नहीं होता अपने बच्चे को देने के लिए कि उसको ये सिखाया जाए कि बेटा ये भगवान होते हैं, इनको ऐसा भोग लगता है, ऐसा प्रसाद बनता है। लेकिन एक्चुअली मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही पूजा करते हैं, जितना हमसे होता है उतना हम पूजा करते हैं। हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, जैसे हम अगर टाइम मिलता है हमको तो हम ट्यूजडे सैटरडे के अकॉर्डिंग सुंदरकांड के पाठ कर लेते हैं। तो चिकू ये सब देखता है, तो उसका ये उसके थॉट में ये मतलब ये हो चुका है कि हाँ पूजा ऐसे करते हैं। अभी वो देख रहा है चंदन का लेप लगाया है, अक्षत चढ़ाया है, फ्लावर्स है, पेटल्स है, फ्रूट है, मिश्री चढ़ाते हैं। तो उसने अपने अकॉर्डिंग अपने शिव जी की प्रतिमा अपनी ड्रॉइंग के ऊपर उसने वैसी पूजा की है। सो अब मैं चिकू के लिए कुछ लंच प्रिपेयर कर लेती हूँ फटाफट से।